आज की जो संसद घेराव की आप लोगों ने रैली की, क्या कुछ संदेश देने का कोशिश की? साफ बात है कि लोकतंत्र है हमारे देश में, और लोकतंत्र में लोगों को अपनी आवाज उठाना, धरना देना, रैली करना, ये पूरी आज़ादी हमारे संविधान ने दी है। अब महंगाई और लोगों की मुश्किली को लेकर हम दिल्ली में रैली करना चाहते थे, पूरे देश से लोग आने वाले थे, लास्ट मिनट में जाके मंजूरी नहीं दी। तानाशाही जिस तरह से चल रही है, आज किसान परेशान है, नौजवान को नौकरियां नहीं है, कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है उनको मुआवजा नहीं है, बहुत समस्याएं हैं, और उसकी आवाज़ जब हम बनना चाहते हैं तो उसकी भी आज़ादी नहीं है। तो इस तानाशाही के खिलाफ ये रही। जिस तरीके से 12 सांसदों को निलंबित किया गया, लगातार वो धरने पर बैठे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये सरकार जो विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है? लोकतंत्र में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, देश का इतिहास संसद का देख लीजिए कि पुराने सेशन में कुछ हुआ था और बाद में 6 महीने बाद उसको सस्पेंड करूं, ये कभी नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ सरकार गुनहगार के कटघरे में है, नाजायज तरीके से कानून को तोड़ते हुए हमारे संसद के सारे नियमों को तोड़ के 12 सांसदों, अलग अलग विरोधी दल की पार्टी के लोगों को सस्पेंड किया है, उसकी लड़त भी हम लड़ रहे हैं।